सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और हम बैक टू बैक आ गए हैं दूसरे ही हफ्ते फिल्म देखने। कौन सी फिल्म देखने आए हैं हम? आए हैं बच्चन पांडे। बच्चन पांडे हमारा स्टार, माय फेवरेट स्टार अक्षय कुमार की फिल्म देखने आए हैं बच्चन पांडे। और बड़े एक्साइटेड है, पूरा शो हाउसफुल है, पूरा शो हाउसफुल है। इतनी अशोक जी, पूरा शो हाउसफुल है। ऐसा हम बहुत दिनों बाद देख रहे हैं कि 3 सीट खाली है ऑनलाइन के अंदर, सिर्फ अभी तक कोई भर जाएंगी। मैं देखो शायद दूसरी बार आ रहा हूँ इस इवनिंग मूवी देखने हॉल में, वेरी गुड, बाहुबली के बाद में। तो माहौल बहुत शानदार है यहाँ का, माहौल देख के लग रहा है मजा आने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ आज 18 तारीख है और नाइट का शो देखना है। और क्योंकि जो मॉर्निंग में शो थे वो थे नहीं इसके अंदर, हमारे फेवरेट कोहिनूर के अंदर, तो अभी हम इवनिंग में आए। और आज होली थी, दिन भर होली खेले और शाम को अक्षय कुमार की फिल्म देख के सोएंगे बढ़िया। और हमें पूरी उम्मीद है, मजा आ जाए, पूरी उम्मीद है कि कॉमेडी फुल टोन एक्शन होने वाला है। कल छुट्टी करूंगा फिर। अशोक, आपको पता है कौन कौन से स्टार है इसके अंदर? देखो इसमें अक्षय कुमार तो अपने ही, स्नोन है ही, बिल्कुल सही है, इसके अलावा जैकलिन भी है ही, और रितेश देशमुख भी है शायद। रितेश देशमुख नहीं है वो? नहीं, अर्षद वारसी। अर्षद वारसी, अर्षद वारसी के नहीं है, रितेश देशमुख नहीं है, छोटा सा। अरे पवन, ये बोल रहा है कि रितेश देशमुख नहीं है इसके अंदर? कौन इस फिल्म के अंदर? अर्षद वारसी। ये सबसे बड़ा सस्पेंस है, इसने कौन दिया है स्पॉइलर? दे दिया इसने स्टार्टिंग में। तो काफी भीड़ दिख रही है। और पवन जी, पहली बार आप इवनिंग शो देखने आए हो? मैं पहली बार नाइट का शो देखने आया हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि यार घर वाले अलाउ नहीं करते ना आपको। लेकिन आज कैसे अलाउ किया? अक्षय कुमार की मूवी है, होली का दिन है, तो आज का दिन पूरा ऐसे ही गया। तो पिछली वीडियो में देखा होगा, मजे ही मजे, माहौल शानदार है, कुछ भी कहो, मतलब फुल टू हॉल भर चुका है, आधे लोग अंदर जा चुके हैं, 10 मिनट बची हुई है। को पता है इस बालकनी से न जाने कितनी बार हम गुजरे हैं। और ये बच्चन पांडे शायद अगले हफ्ते और गुजरे हैं, बिकॉज RRR आ रही है, उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड है। तो आप अक्षय कुमार के कितने बड़े फैन हो आप? ज्यादा तो नहीं, अजय देवगन का फैन है। वो अंदर तो शायद खाली, ओ भाई साहब लगता है सब अंदर चलेगा हॉल में, तो फिल्म शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बची हुई है, अभी जस्ट एंट्री लेने वाले हैं। पूरा रिव्यू करूंगा कैसी फिल्म है, आपको दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए। वैसे फेस्टिव सीजन है, आप देख ही पाओगे क्योंकि आने वाले वीकेंड में छुट्टी आ रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। और आप जाइए देखिए, अक्षय कुमार को सपोर्ट करिए, बहुत दिनों बाद कोई अच्छी फिल्म, एक कॉमेडी फिल्म आ रही है, तो जाइए जाके देखिए। और अभी मैं जाता हूँ हॉल के अंदर और आपको रिव्यू दूंगा पूरा कि कैसी फिल्म लगी हमें। भीड़ देखो आप एक बार, माहौल देखो, नीचे से लेकर ऊपर तक सब सीट बुक है। कौन कैसी लगी फिल्म? इंटरवल हो गया है, बहुत शानदार मूवी है। अक्षय कुमार की ऐसी मैंने लास्ट सिंगिंग मूवी भी देखी थी, उसके बाद मतलब सूर्यवंशी भी अक्षय का इतना एक्शन नहीं था जितना उम्मीद की जा रही थी। और बल एक्शन है, मतलब मसाला एंटरटेन फिल्म है अभी तक तो। और इंटरवल के बाद देखते हैं पूरा वर्डिंग बताएंगे आपको कैसे लगी फिल्म। फुल ऑन मस्ती अब तक, मतलब हाउसफुल है पूरा, इतने दिनों बाद देखा मैंने हाउसफुल। बच्चन पांडे की वजह से 10 रुपये महंगे महंगे पड़ गए कौन यार, 10 रुपये अक्षय कुमार के लिए। सही बताऊँ तो मास फिल्म है, ऐसा कुछ मतलब नया नहीं है, लेकिन अगर फिल्म के अंदर मनोरंजन हो रहा है तो फिल्म अच्छी है, कलेक्शन उसका बढ़िया होगा। जिनकी फिल्म की स्टोरी अच्छी होती है उनमें कम लोग जाते हैं, हॉल खाली रहते हैं, तो मतलब कि इसमें वही है जो ऑडियंस को चाहिए, पूरे हाल है ना, तो वही है इसमें, मतलब कि ऑडियंस को पसंद आ रही है, जो गाने आ रहे हैं बीच में, जो बच्चन पांडे का स्वैग है वही। अब इंटरवल के बाद देखते हैं, ऐसा कुछ सस्पेंस लग रहा है, बिल्डअप हो रहा है, इंटरवल तक पूरी फिल्म बिल्डअप हुई है। तुम्हारी छुट्टी कैसी लगी फिल्म? फिल्म कैसी लगी? पहले तो बहुत अच्छी थी यार, मज़ा नहीं आया भाई साहब, मज़ा नहीं आया, मत जाना देखने, पैसे खराब हो जाएंगे। फिल्म 12 बज गए, यहाँ भी 12 बज गए, घर पर देख लेना टीवी पर आया तो, यहाँ भी 12 बज गए। चलो अशोक जी, फिल्म कैसी लगी? इंटरवल तक तो अच्छी चल रही थी। जय झूठा, इंटरवल तक ठीक थी, फिर बाद में उसके बाद में चल रहा था, खत्म हो जाए। झूठ नहीं बोलूंगा मैं, अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट ये फिल्म नहीं है, अच्छी नहीं है, बिल्कुल ख़राब फिल्म है, पता नहीं कौन सा डायरेक्टर है इसका, खराब साम जी, बकवास फिल्म है, मूड की ऐसी कितनी भीड़ आई, खत्म हो जाए जैसे, बस जाएंगे, दिमाग खराब हो गया।